हेलो फ्रेंड्स, ट्रिप ट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक खास जानकारी। हो सकता है कि ये जो जानकारी है आपको बहुत मदद करेगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को जो टॉपिक है वो है कि अगर आप एक ही ईमेल आईडी में दो चैनल बनाए हुए हैं और उनको आप चला रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश आपको ऐसा लगता है कि दो चैनल आप नहीं चला पा रहे हैं, तो आप उनको जो दूसरा चैनल है उसको एक दूसरे चैनल में आप मर्ज करना चाहते हैं, या यूं कहें मूव करना चाहते हैं। ऐसा होता है कि आप के पास में अगर दो चैनल है तो उनको आप एक चैनल को दूसरे चैनल में मूव करके एक ही चैनल बना सकते हैं और उसी में सारा कंटेंट ऐड हो जाता है दूसरे चैनल का। जो भी सब्सक्राइबर होंगे और जो भी वीडियोज होंगे वो एक ही चैनल में आ जाएंगे। एक ही चैनल में 30,000 सब्सक्राइबर हैं और एक दूसरे जो चैनल है उसमें 10,000 सब्सक्राइबर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 10,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल है उसे 30,000 वाले सब्सक्राइबर वाले चैनल में मूव कर देना चाहिए, और इस तरीके से पूरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 40,000 हो जाएंगे और जो दोनों के वीडियोज होंगे वो भी आके एक में ऐड हो जाएंगे। ऐसा मेरा मानना था और मैंने वीडियोज भी काफ़ी सारे देखे थे तो ऐसा ही मुझे मालूम हुआ था। लेकिन जब मैंने ये काम किया तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपके साथ में ऐसी घटना घटी हो। मेरे पास में मैंने जो किया हुआ था तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास में था एक ब्रांड अकाउंट, ब्रांड यूट्यूब चैनल अकाउंट, और जो दूसरा था वो पर्सनल यूट्यूब अकाउंट था जो ब्रांड अकाउंट नहीं होता है। अब फिर से बात कुछ ऐसी हुई थी कि जब मैं मेरा जो मेन चैनल था वो ट्रेंडिंग ब्लॉग था, उसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसमें कम सब्सक्राइबर होंगे उसको मैं जिसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर है उसमें मूव करूँगा। मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन जो मेरा चैनल था वो ब्रांड अकाउंट नहीं था, जो मेन चैनल था, और जिसमें कम सब्सक्राइबर थे वो मेरा ब्रांड अकाउंट था। अब होना ऐसा था कि जो पर्सनल यूट्यूब अकाउंट था मेरा, उसको मैं ब्रांड अकाउंट में डाल सकता था, लेकिन जो नाम था मैं रखना चाहता था पर्सनल वाला। अब यहाँ पर मेरे साथ में समस्या ऐसी हुई कि मैंने क्या किया कि जो ब्रांड अकाउंट है उसको पर्सनल अकाउंट में मूव किया, जो कि ऐसा नहीं होता है। हो तो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका ब्रांड अकाउंट रहता है वो डिलीट हो जाता है, उसका पूरा कंटेंट डिलीट हो जाता है, उसका सब्सक्राइबर भी डिलीट हो जाते हैं, वो आके आपका ऐड नहीं होगा। केवल आपका कस्टम URL बस ट्रांसफर होता है जब आप ब्रांड अकाउंट को एक पर्सनल अकाउंट में मूव करते हैं, तब इस बात का फ्रेंड्स आपको ख्याल रखना है। जब आप मूव करते हैं तो वहां पे एक लिस्ट भी आती है कि ये चीजें आपके ऐड नहीं होंगी, केवल कस्टमर URL बस ट्रांसफर होगा, और जो मेन अकाउंट था पर्सनल अकाउंट उसका जो कस्टमर URL है वो डिलीट हो जाएगा। जबकि मैं उसको डिलीट नहीं करना चाहता था, पर्सनल अकाउंट जो मेरा था उसका जो कस्टमर URL था वो मुझे चाहिए था हर हाल में, और वही मेरा मेन था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैंने गलती में ऐसा काम कर दिया था, मैंने मूव कर दिया था। अब हुआ ये कि तुरंत ही मैं काफ़ी देर तक इंतजार करता रहा कि तो हो सकता है, उसको रिफ्रेश भी करता रहा स्क्रीन को, कि हो सकता है इस चैनल में जो सब्सक्राइबर हैं वो ऐड हो जाएंगे, जो दूसरे चैनल को मैंने मूव किया है उसके भी वीडियोज आके इस चैनल में ऐड हो जाएंगे। लेकिन एक दिन तक नहीं हुआ, तब मुझे काफ़ी परेशानी हुई कि ये लगभग डिलीट हो गया। काफ़ी चिंतित था क्योंकि दोनों ही चैनल मेरे मोनेटाइज थे और दोनों से ही मेरी अर्निंग हो रही थी, तो स्वाभाविक सी बात है ना, तो मैं सब्सक्राइबर खोना चाहता था और ना जो मैंने मेहनत की थी, लगभग 250 वीडियोज उसमें डले थे उनको भी मैं नहीं खोना चाहता था, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैंने उनको बनाया था। खासकर एजुकेशन वाला मेरा वो चैनल था, काफ़ी लोग जुड़े हुए थे और मेरा काफ़ी एक ऑडियंस थी, सब्सक्राइबर भले ही नहीं थे लेकिन ऑडियंस काफ़ी थी, देखने वाले काफ़ी लोग थे। तो ऐसा हुआ था, तो मैंने तुरंत गया, और आप देखते हैं कि जब आप डेस्कटॉप में अपना जो क्रिएटर स्टूडियो खोलते हैं, YT स्टूडियो खोलते हैं यूट्यूब का, तो वहाँ पर जहाँ पे एक अपलोड का साइन होता है उसके बगल में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है, वहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो हेल्प का ऑप्शन निकल के आता है। वहाँ पर क्लिक करके आप सीधे यूट्यूब टीम से चैट भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप जो समस्या है उसके संबंध में ईमेल भी भेज सकते हैं। मैंने उनसे सीधे चैट किया और बताया कि ऐसी समस्या है, मैंने एक चैनल को दूसरे चैनल में मूव किया हुआ था लेकिन यहाँ पर मेरा जो एक चैनल है वो डिलीट हो चुका है और मुझको वो वापस चाहिए है सेम स्थिति में। तो उन्होंने बोला कि समस्या जो आपकी है उसको हम देखते हैं और आपकी जो समस्या है वो 100% सॉल्व करेंगे, हम हमारी जो इंटरनल टीम है यूट्यूब की उससे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला है थोड़ा सीरियस है और हम आपको थोड़ी देर में अपडेट करेंगे।
एक दिन का टाइम हो गया और उन्होंने बोला कि हमने आपका जो ईमेल है वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है अपनी जो इंटरनल टीम है, लेकिन उनके वापस ईमेल का, उनके जवाब का कोई अंदाजा नहीं है कितना टाइम लग सकता है, तब तक आप पेशेंस रखिए। एक दिन बीत गया, काफ़ी टेंशन में था और इंतज़ार नहीं करा हो रहा था, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि मेरा चैनल पूर्णतः डिलीट हो चुका था, मेरे पास में कुछ भी नहीं था। अगले दिन, दूसरे दिन उन्होंने मुझे ईमेल भेजा और कहा कि इंटरनल टीम ने निर्देश दिए हैं कि आप जिस ईमेल आईडी से आपके दोनों चैनल थे, क्योंकि आपने एक चैनल को दूसरे मूव कर दिया है, तो केवल आपका एक ही चैनल बना बचा है और जो दूसरा चैनल है वो डिलीट हो गया है, तो आपको सेम ईमेल आईडी में एक नया चैनल क्रिएट करना है, उसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं, लेकिन इस बात का फ्रेंड्स आपको ख्याल रखना है, उन्होंने मुझसे कहा था कि उसमें कुछ भी आपको अपलोड नहीं करना है, केवल चैनल बनाना है, क्रिएट करना है और उसको मोबाइल नंबर डाल के आपको वेरीफाई कर देना है। तो मैंने ये बस किया हुआ था, ना वहाँ पे आपको लोगो डालना है, ना ही आपको चैनल आर्ट वहाँ पे अपलोड करनी है, तो ये मैंने करके, और उन्होंने बोला आप उसका हमें URL ईमेल करके भेज दें। मैंने ऐसा ही कर दिया और अगले दिन उन्होंने मेरा जो चैनल डिलीट हो गया था पूरा का पूरा वापस कर दिया। बाकायदा उसमें मोनेटाइजेशन था, एड्स भी आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, बस जो 2 से 3 दिन का जो समय था जब मेरा चैनल डिलीट हो गया था वो व्यूज नहीं आए थे क्योंकि मेरा जो चैनल था यूट्यूब से डिलीट हो चुका था। तो ऐसी समस्या अगर आपके पास में भी है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मैंने इसलिए आपको ये वीडियो बनाया है ताकि आपकी मदद हो सके और आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो सके। मेरा मानना है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी राहत मिलेगी, आपको सीधे जाना है और यूट्यूब टीम से आपको चैट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से अपनी समस्या स्पष्ट करके बताएं कि ये समस्या है और मैं ये चाहता हूँ। तो मेरी समस्या, उन्होंने अगले दिन 3 दिन का समय लगा था और मेरा चैनल वापस आ गया था, हालांकि अब मैंने दोनों ही चैनलों के जो नाम हैं और जो कस्टम URL दोनों के चेंज कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक ये जो चैनल था उसका नाम ट्रेंडिंग ब्लॉग था इसका, और अब मैंने उसको ट्रिप ट्यूब कर दिया है, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो ट्रिप ट्यूब में ही आप देख रहे हैं, और जो मेरा एकेडमी वाला चैनल था उसको मैंने प्री ट्यूब कर दिया है, यानी कि दोनों ही चैनलों का नाम मैंने चेंज कर दिया है और दोनों की कस्टम URL भी मैंने चेंज कर दिए हैं। तो मेरा मानना है कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।